तो गाइज यार फ्रेंकिल बहन ने नई दुकान खोली है फ्रूट की, मस्त लग रही है गाइज। हमारी दुकान तो एकदम घर के आगे ही खोली है फ्रेंकिल बहन ने, हमारे घर के आगे बहुत बड़ी जगह है ना, तो यहीं पे हमने दुकान खोल दी। पर गाइज आपको पता है मैंने आधे घंटे से बाहर खड़ा हुआ हूँ यार, कोई आ ही नहीं रहा हमारे फ्रूट खरीदने। आधे घंटे से मैं ही खाए जा रहा हूँ यार, कभी कुछ खा लेता हूँ कभी कुछ खा लेता हूँ यार, अब क्या करूँ गाइज, ये सब देखने से भूख लग जाती है। अबे रुक जा गाड़ी वाले। अरे यार रुका नहीं है, कम से कम अगर गाइज थोड़ी देर रुकता ना तो मैं इसे कैसे भी करके इंप्रेस कर देता और इसको ना फ्रूट दे देता, मतलब फ्रूट इसको खरीदवा देता। अरे गाड़ी वाला रहा है, गाड़ी वाला रहा है, इसे तो पक्का रोक के रहूंगा। अरे भाई रुक रुक भाई रुक जा, मेरी बात तो सुन ले। बच्चे गाड़ी के आगे मत बोल, क्या है? अरे यार फ्रूट खरीद ले, ताजे ताजे फ्रूट है यार। अरे ये भी बिक्री कराने वाला है, अच्छा सामने से बच्चे मेरे को नहीं खरीदना, पैसे है ना। अरे बदतमीज, कहीं के पैसे नहीं है तो रोकी क्यों तूने गाड़ी, चले जाता। हाँ नहीं तो यार मूड खराब कर दिया पूरा, अब किसको बिकूं यार अपने फ्रूट, समझ नहीं आ रहा। अरे यार अब तो मेरे को खुद भूख लगने लग गई, इस बार क्या खाऊं यार, यार सारा खाना तो मैं ही खा जाऊंगा। फ्रेंकिल भैया बोलेंगे सारा फ्रूट सिंचन खा गया, यार ये तो गलत हो जाएगा फिर कल से फ्रेंकिल भैया यहाँ पे आने भी नहीं देंगे। रुक जा भाई रुक जा। अरे यार ये भी चले गया, ये तो कोई अमीर बंदा लग रहा था गाइस मेरे को, अगर ये रुक जाता ना तो मेरे को लग रहा है पूरी रेडी खरीद लेता, मतलब सारे फ्रूट खरीद लेता। फ्रेंकिल भैया यार कोई आ ही नहीं रहा यार, बिक्री कर ही नहीं रहा। अरे यार इसमें कीड़े कैसे लग सकते हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा। अरे क्या हो गया फ्रेंकिल भैया, क्या देख रहे हो? अब सिंचन इसमें कीड़े लग गए यार, तरबूज के अंदर कैसे लग गए समझ नहीं आ रहा। अरे फ्रेंकिल भैया आधा घंटा हो गया यार, कोई खरीद ही नहीं रहा यार हमारे फ्रूट। फ्रेंकिल भैया सिंचन एक बात बता, तू नीचे आ गया, ऊपर कौन है? कोई भी नहीं है फ्रेंकिल भैया। अब फ्रूट चोरी हो जाएगा, सिंचन ऊपर जाके खड़ा हो जाए तू। अरे यार फ्रेंकिल भैया चौप को भेज दो यार, गर्मी कितनी हो रही है, नींबू पानी मिल जाता तो मजा ही आ जाता। कोई बात नहीं आगे चलेंगे, ये क्या यहाँ पे तो फ्रूट की दुकान लग रही है, काम करते हैं वही खा लेते हैं, क्या खाऊं गर्मी में कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे हाँ तरबूज खा लेता हूँ ना। अरे उतर गया नीचे यार, मेरी तो हड्डियों में दर्द होने लग गया, अभी तो मेरा बुढ़ापा भी नहीं आया, पता नहीं कैसे जीऊंगा मैं आगे तक। अरे यहाँ पे तो कोई है भी नहीं, क्या करूँ यार, कोई तो है नहीं, माल तो बहुत ज्यादा लग रहा है यहाँ पे, सब चीजें चोरी कर लूँ क्या? अरे हाँ किसको क्या ही पता लगेगा, एक काम करता हूँ एक एक डिब्बा उठा के अपने ट्रक में रख लेता हूँ। पर यार ये गलत बात है यार, चोरी तो हाँ गलत बात है, करे नहीं, छोड़ो क्या ही करूँ। अरे कोई है क्या दुकान पे? सिंचन मुझे लग रहा है ना शॉप पे कोई आया है। अरे फ्रेंकिल भैया आधे घंटे से मैं ऊपर था, जब तक तो कोई आया नहीं, जैसे ही मैं नीचे आ गया वैसे ही कोई आ गया। आओ भाई आओ, बताओ भाई क्या लोगे? जो लोगे भाई सस्ते में लगा दूंगा, मैं अपनी दुकान पे सस्ता सस्ता माल देता हूँ, लग ही रहा है देख के। ये बताओ कीड़े वीड़े तो नहीं पड़े ना इसमें? अरे नहीं भाई कैसी बात कर रहे हो, एकदम ओरिजिनल माल देते हैं। अरे हाँ फ्रेंकिल भैया यार हम एकदम ओरिजिनल माल देते हैं, एकदम टेस्टी होता है, सुबह सुबह मैंने बहुत कुछ खाया है। ये बता दो कि तरबूज कैसे दिया है, कितने का दे रहे हो? भाई एकदम टॉप क्लास का तरबूज है भाई, कुछ भी है खा के ना मजा आ जाएगा, बस 50 रुपए का दे देंगे तेरे को एक किलो। क्या 50 रुपए का? अरे भैया इतना तो बजट भी नहीं है हमारा, 20 रुपए का दे रहे हो तो बात करो। अरे अंकल कैसी बात कर रहे हो यार, 20 रुपए में कहां ही आता है यार, 20 रुपए की तो हमारी खरीद भी नहीं है। हाँ भाई 20 रुपए की तो यार हमारी खरीद भी नहीं है, हम तुझे 20 रुपए में कैसे दे दे? अरे हमसे थोड़ा भाईचारा बना लो तो 20 रुपए में दे दो, भाईचारा बन जाएगा दोनों का आपस में, दे दो चलो दे दो रखो, अन्ना तुम्हारी हमारी 25 में डन करो। अरे यार तेरे को साफ साफ बता रहा हूँ, हमने ना 40 रुपए का खरीदा है, देख तेरे को अगर 40 का खरीदना है तो खरीद ले वरना फुट ले यहाँ से। अरे बड़ा बदतमीज लड़का है, तुझे तमीज नहीं है, कैसे बात करते हैं? हम 25 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा, बता रहा हूँ तुमको। अरे फ्रेंकिल भाई भगाओ यार इसको, ये तो यार बड़े हैट रहा है। हाँ तो जा रहा हूँ, खरीदना भी नहीं है मेरे को। यार गलत कर दिया, चोरी कर लेना चाहिए था, चढ़ गया मैं यार, यार क्या करूँ, एक तो पैसा भी नहीं है ना मेरे पास, वैसे चोरी करना अच्छी बात नहीं है, अगर अच्छी बात होती तो मैं कर ही लेता, फिर क्या घाटा था। ये पैसे होने बड़े जरूरी है यार जिंदगी में, पैसे नहीं है तो यार अब मैं प्यासा चलूंगा यार। सिंचन हमको ना कुछ करना पड़ेगा यार, ऐसे तो यार हमारी आज बिक्री नहीं होगी। हाँ फ्रेंकिल भाई यार 40 मिनट हो चुके हैं, अभी तक हमारा बिल्कुल भी कोई सामान नहीं बिका यार, बिल्कुल कोई फ्रूट खरीद ही नहीं रहा यार हमारे। चल तू शॉप पे खड़ा रहे, मैं जाता हूँ यार लोगों को बुला के लाता हूँ, चलो गाइस इसी साइकिल से जाना पड़ेगा। गाइस आपको क्या ही बताऊं, मेरे पास ना यार कार बाइक कुछ भी नहीं है, ये साइकिल है गाइस, इसे ही सिंचन चलाता है, इसे ही मैं चलाता हूँ, और ये ना पूरी खटारा है यार इसकी, गाइस चैन है ना चैन में पूरा जंग लग रखा है, देखो चल भी नहीं रही। कोई बात नहीं यार ऐसे ही जाना पड़ेगा, अब तो चला चला के चल जा। यार आज तो बहुत ही लेट हो गया, मैं उठने में 12 बज रहा हूँ यार, अब क्या करूं मैं, 12 बज चुके हैं, चलो जाके दूध लेके आता हूँ फटाफट से, दूध पीऊंगा तंदुरुस्त रहूंगा, कभी किसी से डरूंगा नहीं। एक सेकंड ये क्या, ये बच्चे ने बड़ी जल्दी दुकान खोल दी, बच्चे बड़ी जल्दी दुकान खोल देता, तू सुबह सुबह खोल देता है क्या? अरे चलिए जब बता रहा हूँ तेरे को। हाँ तो मैं तो जाऊंगा, फ्रेंकिल भैया नहीं है वरना तेरी गुद्दी तोड़ देते। अरे क्या फ्रेंकिल नहीं है, फिर तो बहुत अच्छा मौका है। हाँ तो अब बता तू क्या कर लेगा, तेरा फ्रेंकिल नहीं है बता क्या करेगा, बहुत मेरे को ताने देता रहता, अब बोल के दिखा तेरी थूत चटकाऊ मैं। अरे चले जा बुड्ढे वरना तेरी गुद्दी मैं चटका दूंगा। हाँ तो थूत चटकाने की बात कर रहा है मेरी, चले जा हमारी दुकान से। अब नाटे मेरे से फालतू मत बोले, नाटे वरना तेरे थप्पड़ थप्पड़ बजा दूंगा, हाँ तो फ्रेंकिल नहीं है तेरे घर पे, ये याद रखो कोई बचाएगा भी नहीं तेरे को। अरे चले जा वरना चौप को बुला दूंगा, हाँ तो अकेला मत समझियो, मेरे को अभी अपने दोस्तों को बुला लूंगा। रुक जा अभी तेरे को बताता हूं, यहां पे तेरी जितनी भी शॉप है अभी से तहस नहस कर दूंगा, देख तेरे सारे सेब खा जाऊंगा, अभी देख करके दिखा तू मेरा क्या, बुला ले चौप कुछ बुला, बुला जिसको बुला चाहिए। अरे बदतमीज कहां घुस रहा है, बाहर निकल बाहर निकल। जा बेटा अपनी दोस्त की दुकान पे जा और वहां से 2 दर्जन केले लेके आ जा, तेरा दोस्त सस्ते में देता ना इसलिए तेरी दोस्त की दुकान पे तेरे को भेज रहा हूं। ठीक है पापा मैं जाता रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ी देर सिंचन के साथ खेल के आऊंगा, पहले बता दिया। हां सिंचन सस्ते में जब भी देता जब उसके साथ खेलता हूं, चलो चलते मजा आ गया, कम से कम पापा ने बाहर जाने को तो बोला, पूरे दिन घर में बिठा के रखते हैं मेरे को। अरे वाह यार पापा की गाड़ी कितनी चमक रही है, पर मैं पापा की गाड़ी से नहीं जाऊंगा, जब भी इसे लेके जाता
सिंचन का भैया बोलता मेरे को चलान दे अब भाई ठोक देता हमेशा। अपनी ये वाली गाड़ी लेके जाऊंगा बढ़िया करके, कोई मांगेगा भी नहीं और सिंचन को ये चलानी आती नहीं जो वो मांगेगा। बढ़िया करके चलते और दो दर्जन केले लाऊंगा और सिंचन दो तीन एप्पल मेरे को फ्री में भी खिला देता है। बहुत अच्छा दोस्त है मेरा सिंचन। भाई आ गया मैं तेरी दुकान पे। अरे चले जा यहाँ से वरना तेरे को मारूंगा। हाँ बहुत देर हो गई है तेरे को। ले 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 मेरा दोस्त आ गया, तेरी गुद्दी चटकाएगा। ज्यादा बोल रहा था ना तू मेरे से। क्या हो गया सिंचन, क्या हो गया मेरे को बता तो सही। अरे देख ले मेरा पड़ोसी यार मेरे को मारने की कह रहा है। ओए ओए क्या हो गया कि मेरे दोस्त को मारेगा तू है? चले जा वरना तेरा भी भूत उतार। ये ले उतार मेरा भूत है, मेरा भूत उतारेगा तू। तेरी हिम्मत ऐसे तेरे। ये ले लात खा पहले। ये मेरे मेरे दोस्त को मारेगा तू। ये ले मेरा सिंचन मेरा दोस्त है। अरे भाई यार लिटिल सिंघम ओपी यार, लिटिल सिंघम तू मेरा कितना अच्छा दोस्त है यार। हाँ तो सिंचन ये तेरे को मारेगा, इसकी गुद्दी चटका देता तू। डरे मत कर मैं तेरे साथ हूँ। बच्चों ने तो मेरे मेरे मुंह पे मारा घुसा बुर बुर पूरा जबाड़ा हिला दिया मेरे को। अब क्या करूँ मैं, दूध लेने जा रहा था, दूध भी नहीं पी पाऊंगा अब तो। अब क्या करूँ, डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। पहले घर में जाकर देख लेता हूँ क्या दवाई ववाई पड़ी है वो पी लेता हूँ। अब पूरा जबाड़ा हिला दिया मेरा घुसा मार के। अरे मेरे दोस्त अगर तेरे को कुछ खाना है ना तो तू खा सकता है, मैंने तेरे से पैसे नहीं लूंगा। अरे वाह सिंचन यही बात तो बड़ी अच्छी लगती है तेरी। अरे यार सुबह से पर बिक्री नहीं हुई यार, फ्रैंकल भी ना कस्टमर को बुलाने के लिए गए हैं। कोई बात नहीं मैं दो दर्जन केले खरीद लेता हूँ। अरे हाँ तू खरीद इतने मतलब तू रख ले, मैं जाता हूँ टॉयलेट करके आता हूँ। बड़ी तेज टॉयलेट आ रही है, तू निकाल के रख लियो ठीक है। चलो यार चलते हैं, मजा आ गया, लिटिल सिंघम आ गया, अब तो टॉयलेट कर लेता हूँ। क्या खाऊं समझ नहीं आ रहा। सिंचन ने बोला फ्री में खा ले, क्या खाऊं। अरे यार फ्री में सब कुछ मिल रहा है अब तो खा ही लेता हूँ। पापा बोलो क्या हो गया, क्यों कॉल करिए पापा? बेटा कहाँ पे है? बेटा जल्दी घर पे आ जा बेटा, लड़ाई बाज गई है मेरी, जल्दी आ बेटा। अरे क्या हमारी लड़ाई बाज गई? पापा फिक्र मत करो मैं अभी आता हूँ, थूथ चटका दूंगा उसकी मैं। जल्दी आ बेटा जल्दी आ, कैसे भी करके जल्दी आ जा, अभी आ रहा हूँ पापा। अरे यार सिर्फ पापा की लड़ाई होगी और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? अभी जाता हूँ उसकी गुद्दी चटकाऊंगा। किसकी हिम्मत हुई जो मेरे परिवार से लड़ाई कर रहा है? आज उसकी छाती तोड़ दूंगा मैं कुछ भी करके। पापा आ रहा हूँ मैं। ये बॉस दिन भर मेरे से काम करवाता रहता है, बड़ा गुस्सा आता है मेरे को अपने बॉस पे। अरे ये क्या, यहाँ पर तो फल फ्रूट रखे हुए हैं लेकिन कोई है नहीं दुकान पे। अरे बारे वाह बड़ा ही अच्छा मौका मिल गया, मेरे को तो कोई भी दुकान पे नहीं है। मैं बॉस से बड़ा ही परेशान आ गया हूँ। एक काम करता हूँ, सारी जहाँ पे जितना भी सामान है सब चोरी करके ले जाता हूँ और सस्ते में बेच दूंगा, मजे आ जाएगा। फिर तो बॉस की नौकरी करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ बॉस की जॉब छोड़ दूंगा, ये सही रहेगा। कोई है नहीं, बाबरे बाबरे कितने बढ़िया बढ़िया फल फ्रूट रख रहे हैं यहाँ पे। फटाफट से रख लेता हूँ मैं, जितना भी ट्रक में सामान आ चुका मैंने सारा सामान रख लिया, मजा आ गया। पूरा ट्रक लोड कर लिया मैंने सामान से, बहुत मजा आ गया। ऐसे लोग मिले मेरे को तो मजा ही आ जाए। हर रोज ऐसे लोग हर रोज मिलने चाहिए भाई साहब। दुकान खोलो और दुकान पे खड़े ही ना हो, ऐसे हमेशा चोरी करके ले जाऊंगा, मजा ही आ जाएगा। देखो तब सही पूरा ट्रक भर गया मेरा, तो अब बेच के आऊंगा सस्ते में, खूब पैसा कमाऊंगा, नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है मेरे को तो बिल्कुल भी। गाइस मैंने एकदम फ्रेश हो चुका हूँ और गाइस मैंने ना कल वाली वीडियो पे कमेंट पढ़ी थी। गाइस बहुत लोगों ने ना कमेंट करे थे और गाइस जिसके सबसे ज्यादा कमेंट थे ना मैं आज ना यार उसको शाउट आउट देने वाला हूँ। और गाइस मैंने ना यार ये सोचा है कि गाइस आज मैं ना टॉप 20 को शाउट आउट दूंगा, 10 को अभी दे देता हूँ और 10 लोगों को आगे दे दूंगा। तो गाइस यार सबसे पहले नंबर पे आते हैं अपने यार तुषार गुप्ता और गाइस सेकंड नंबर पे हमारे आते हैं यार टिप्रो। यार आपको ना अपना रियल नेम लिखना चाहिए था यार, आपने नाम नहीं लिखा, इसलिए जो आपकी आईडी थी ना यार मैंने उसका ही नाम ले दिया। आप ना यार अपना नाम भी लिख दिया करो यार, वरना यार मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ। चलो कोई बात नहीं आगे चलते हैं। और गाइस थर्ड नंबर पे अपने यार इस्तीफा और गाइस फोर्थ नंबर पे अपने यार आजाद यादव है और गाइस फिफ्थ नंबर पे यार अपने रोहित है और गाइस सिक्स नंबर पे अपने जयकुहार है और गाइस सेवंथ नंबर पे अपने अर्जन भाई पटेल है और गाइस एट नंबर पे अपने शाहदीप है और गाइस नाइन्थ नंबर पे अपने यश चिकरा है और गाइस टेंथ नंबर पे अपने अभिनव सिंह है। तो बिग शाउट आउट टू यू गाइस। गाइस आप लोगों ने ना बहुत सारे लोगों ने कमेंट करे थे, तो गाइस मैंने ना टॉप 20 कमेंट निकाले जिनमें से गाइस 10 लोगों को मैंने अभी शाउट आउट दे दिया और गाइस 10 लोगों को ना आगे वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। और गाइस ये 20 लोग वो है यार जिन लोगों ने सबसे ज्यादा कमेंट करे थे। गाइस अगर आपका नाम अभी आया नहीं है ना तो गाइस पूरी वीडियो देखते रहे यार, आगे नाम आ जाएगा क्योंकि मैं अभी 10 लोगों का ना आगे नाम लेने वाला हूँ। और हाँ गाइस यार अभी तक जिस किसी ने भी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा ना प्लीज यार जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। अरे यार कितनी गर्मी हो रही है और इस गर्मी में ये साइकिल चलानी पड़ रही है, मेरे तो काफी ज्यादा पसीने निकल गए। लेकिन एक सेकंड यहाँ पर तो फ्रूट बिक गए यार, जब मैं यहाँ से गया था तो बहुत सारे फ्रूट थे लेकिन अभी तो एक भी फ्रूट नहीं है, मतलब थोड़े बहुत फ्रूट है लेकिन काफी सारे बिक चुके हैं। अरे वाह यार सिंचन मेरे छोटे भाई तूने तो बहुत ही अच्छा काम करा, मजे ही आ गए। गाइस मैंने तो सोचा था अभी तक बौनी भी नहीं होगी लेकिन देखो काफी सारे फ्रूट बिक गए। ओए सिंचन मेरे भाई नीचे क्या कर रहा है तू यार दुकान को ऊपर छोड़ के? सिंचन कहाँ चले गया? अरे फ्रैंकल भी आओ, फ्रैंकल भी आ गई तुम? हाँ सिंचन मैं तो आ गया लेकिन तू क्या कर रहा है? अरे फ्रैंकल भाई मैं यहाँ पे तरबूज काटने को सोच रहा था, अभी काटने को सोच रहा था, खा ही लेता। अरे हाँ खा लेता, मतलब यही कह रहा हूँ मैं भी। सिंचन ये बता कितने रुपए कमा लिए? अरे फ्रैंकल भाई बिल्कुल भी बिक्री नहीं हुई यार अभी तक। अबे क्या कह रहा है, बिक्री नहीं हुई? हाँ फ्रैंकल भाई बिल्कुल बिक्री नहीं हुई। अबे सिंचन ऊपर से तो काफी सारे फ्रूट गायब है यार, बहुत सारे। अरे फ्रैंकल भाई सच कह रहे हो क्या? हाँ सिंचन जल्दी आके देख। अरे बाप रे गाइस कहीं चोरी तो नहीं हो गई? नहीं नहीं गाइस चोरी नहीं हो सकते, लेकिन यार शॉप पे तो कोई था ही नहीं सिंचन, नीचे तक क्या पता चोरी हो गई हो। ओए सिंचन ऊपर आ यार। अरे फ्रैंकल भाई अरे यार लिटिल सिंघम था यार, चोरी नहीं हो सकते ऐसे। क्या लिटिल सिंघम? हाँ फ्रैंकल भाई वो आया था, मैंने उसको शॉप पे छोड़ा था, लेकिन देख लिटिल सिंघम यहाँ पे है नहीं, मेरे ख्याल से लिटिल सिंघम ने चोरी कर लिया। अरे नहीं फ्रैंकल भाई वो ऐसा नहीं कर सकता यार, रुक जा मैं उसे कॉल करता हूँ। पापा आप मारो कॉल आ गई। हाँ कौन है भाई? अबे मैं बोल रहा हूँ फ्रैंकल भैया। हाँ फ्रैंकल भैया जल्दी बोलो, लड़ाई हो रखी है पापा।
पकी, मैं अभी इसकी तूत चटकाऊंगा। रुक जा, अभी तूत चटका तुम तेरी। अबे ये बता, हम मेरी दुकान से तू कितने सारे फ्रूट लेके चले गया? अरे क्या बताऊं, एक भी फ्रूट लेके नहीं गया, इतने पापों की लड़ाई हो गई। एक काम करो, तुमसे मैं बाद में कॉल करता हूं। अबे भाई मेरे फ्रूट चोरी हो गए। अरे तो फ्रूट चोरी हो गए, बाद में बात करता हूं, पहले ये यहां की लड़ाई छुड़वा लूं। बहुत बंदे हैं पापों को मारने आए थे, मैं इनकी तूत चटका रहा हूं। अरे यार फ्रैंकल बे, क्या होगी यार, लिटिल सिंघम की लड़ाई होगी क्या? लिटिल सिंघम मैं भी आऊं? अबे सिंचन चुप हो जा, यहां पे हमारे फ्रूट चोरी हो गए, तुझे लड़ने की पड़ी है। अरे फ्रैंकल बे, फ्रूट कैसे चोरी हो सकते हैं यार, अब क्या करें फ्रैंकल बे यार, सुबह से बिक्री भी नहीं हुई और तो हमारे फ्रूट भी चोरी हो गए, अब तो फ्रैंकल बे बहुत मोटा नुकसान हो गया होगा यार। सही कह रहा है सिंचन, आजा पुलिस स्टेशन चलते हैं। ओए मैम भाई, हमें पुलिस स्टेशन तक छोड़ दे प्लीज। अरे क्या कह रहा है पुलिस स्टेशन तक यार, ये इसमें पेट्रोल नहीं है बिल्कुल भी, बच्चे साइड हट जा बच्चे। अरे मैम छोड़ दो यार, जा रही हूं मैं तो। अबे सिंचन यार, ये मैम तो बड़ी बुरी थी यार, हमें छोड़ सकती थी यार, फिर भी छोड़ा नहीं, इसकी गाड़ी आ रही है। ओए भाई रोको, अरे सर फोड़ दिया मेरा, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। अरे फ्रैंकल बे इसकी गुद्दी चटकाओ। अरे फ्रैंकल बे ने तुमको ठोका कैसे यार, ठोका कैसे तुम किसने? ओए बाहर निकल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को ठोका कैसे तूने? अरे फ्रैंकल बे इसकी आवाज कैसी है यार, लड़कियों जैसी आवाज है इसकी तो। पुलिस को बुला रहा, रुक जा बता दो तेरे को। अबे चले जा, जा बुला ले जिस मर्जी को, एक तो मेरे को ठोक दिया। फ्रैंकल बे तुम्हारे लगी तो नहीं? नहीं सिंचन मेरे लगी नहीं, आजा सिंचन फटाफट चलते हैं पुलिस स्टेशन। अरे पर फ्रैंकल बे तुम भी कॉल करके पुलिस को बता दो ना यार, वो आ जाएगी। अबे नहीं सिंचन तू भूल गया क्या, पिछली बार जब हमारी लड़ाई हुई थी एक बंदी से तो सिंचन मैंने पुलिस को कॉल करा लेकिन वो आई नहीं थी। अरे हाँ सही कह रहे हो फ्रैंकल भैया। अरे पर फ्रैंकल भैया तुम तो यार अपनी फ्रूट की दुकान को ऐसी छोड़ के जा रहे हो, फिर चोरी हो जाएंगे, जितने बच्चे हैं वो भी चोरी हो जाएंगे। अबे हाँ एक काम करते हैं, चौप को बाहर बुला देते हैं। अरे हाँ फ्रैंकल भैया चौप को बुला दो यार, कम से कम वो ध्यान तो रखेगा, कोई आएगा तो वो ना उसके पैर को काट लेगा। हाँ सिंचन सही कह रहा है, तूने ना सही याद दिला दी, वरना जितने बच्चे कुछ है हमारे फ्रूट है ना ये भी चोरी हो जाते। ओए चौप के बच्चे क्या कर रहा है? अब व्हाट्सएप कर लिया कुछ नहीं भाई साहब। अबे गिर गया यार, मैं तो बड़ी तेज लग गई मेरे। अब व्हाट्सएप कर लिया, क्या कर रहा है भाई, क्या हो गया तेरे को, बता तो सही कैसे चक्कर खा रहा है तू। अबे चौप मेरा एक काम कर दे यार, ऊपर जो फ्रूट रखे ना तू ना उनकी देखभाल कर दे। अब व्हाट्सएप कर लिया, मैं तो देखभाल कर दूंगा, बता क्या हो गया। अबे यार चोरी हो गया हमारे काफी सारे फ्रूट। अब व्हाट्सएप कर लिया, मैं तो बोल रहा था भाई सिंचन पे भरोसा मत कर भाई, ये तो छोड़ के दुकान नीचे आ जाता है। अरे चौप के बच्चे चुपचाप तू ना यार दुकान का देखभाल कर ले ठीक है, कोई भी आए ना तो उसको सामान दियो मत ठीक है, और अगर कोई चोरी करने की कोशिश करे ना तो उसके पैर में काट लियो। अबे आजा सिंचन यार, समझा दिया तो तूने? अरे हाँ फ्रैंकल भाई चौप को मैंने एकदम अच्छे से समझा दिया, एक बार सिंचन देख के जाएंगे, जब से चौप बाहर आएगा ना जब भी जाएंगे। अब भाई साहब कल बाहर आ गए, जाओ भाई जाओ, जहाँ जा रहे हो। चलो फ्रैंकल भाई फटाफट से गाड़ी भगाओ यार, अब हमको सीधे यार पुलिस स्टेशन जाना होगा फटाफट से। और सिंचन तूने शाउट आउट दे दिया ना लोगों को? अरे हाँ फ्रैंकल भाई मैंने सबको दे दिया यार, जिसने सबसे ज्यादा कमेंट करी थी ना सब लोगों को मैंने शाउट आउट दे दिया। बहुत बढ़िया सिंचन, ये तो तूने बहुत अच्छा करा। और गाइस अगर आप में से किसी ने अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करो गाइस, जल्दी से अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। हाँ गाइस यार तब तक हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन और उसको छोड़ेंगे नहीं जिसने भी हमारे फ्रूट चोरी करे। तो गाइस अभी मैं और सिंचन पुलिस स्टेशन बस पहुंचने वाले हैं। अरे फ्रैंकल भाई यार ये इलाका कितना खतरनाक लग रहा है। हाँ सिंचन लेकिन यहीं पे पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे मेरे एक बंदे से बातचीत है। अरे फ्रैंकल भाई ये कौन है यार, ये तो रो रहा है यार, देखो ना फ्रैंकल भाई कौन है। हाँ सिंचन उतर के देखो तो सही। ए भाई कौन है तू, क्या हो गया भाई, रो क्यों रहा है तू? अरे बेटा मेरे पैर दर्द कर रहा है बेटा, मैं बस दो दिन से चले जा रहा हूँ और कुछ खाया पिया भी नहीं है मैंने। अरे अंकल क्या हो गया यार, क्या हो गया बताओ ना। अरे बेटा बता तो दिया बेटा, और कितना बताऊँ, बताना तू मेरे को और कितना बताऊँ। अरे तो ये बताओ हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं? बेटा मेरे को छोड़ दो रास्ते में। अरे बस इतनी सी बात, आओ गाड़ी में बैठो, बताओ कहाँ छोड़ना है। बेटा मेरे को मेरे घर पे छोड़ आओ, मेरे अड्डे पे छोड़ आओ बेटा, मेरे पैर दर्द हो गए दो दिन से चलते चलते और भूखा भी हूँ मैं। अरे बाबा तुम ना हमारी कभी शॉप पे आना, हम ना तुमको फ्री में यार फ्रूट खिला देंगे, हमारी ना फ्रूट की दुकान है। अबे पर सिंचन तू कहाँ बैठेगा? अरे फ्रैंकल भाई हाँ इस गाड़ी में तो दो लोग बैठ सकते हैं। कहाँ बैठेगा तू? लो फ्रैंकल भाई मैं तो यहाँ बैठूंगा यहाँ। अबे सिंचन गिरेगा तो नहीं तू? अरे बेटा गिर जाएगा बेटा, और बेटा गिर जाएगा ये। अरे बाबा यार तुम चुप हो जाओ यार, मैं नहीं गिरूंगा, मैं ना स्कूल की बस पे भी ऐसे लटक के जाता हूँ। फ्रैंकल भैया तुम्हें लगता होगा जब मैं स्कूल जाता हूँ तो बस के अंदर बैठ के जाता हूँ? नहीं नहीं फ्रैंकल भैया मैं और मेरे दोस्त ना बस में लटक के जाते हैं, जैसे गाड़ी पे ऊपर बैठ के जा रहा हूँ मैं। अब सिंचन गिर मत जाइयो तू। अरे फ्रैंकल भैया नहीं गिरूंगा यार, मेरे पे पूरा भरोसा रखो यार तुम। बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, धीरे चला बेटा अपनी गाड़ी धीरे चला। अरे नहीं सिंचन पे मेरे को पूरा भरोसा है, सिंचन नहीं गिरेगा। अरे हाँ फ्रैंकल भैया यार, फ्रैंकल भैया मेरे कितने अच्छे फ्रैंकल भैया है यार, मेरे को मौज मस्ती करने देते हैं। अरे बाबा ये बताओ आप ऐसे पैदल पैदल चल क्यों रहते? अरे बेटा क्या बताओ बेटा, बेटा मैं तुम्हें नहीं बता सकता बेटा मेरी कहानी। एक काम कर बेटा यही रोक बेटा यही। अरे क्या हो गया? यही है बेटा मेरा अड्डा, यही रोक दे मेरे को। अरे यार यही तुम्हारा अड्डा है क्या यार, इतनी दूर तुम पैदल चल के कैसे आते? वो तो अच्छी बात होगी बेटा, तुम मेरे को मिल गए, तुम बड़े भले इंसान हो, तुमने मेरे को यहाँ तक छोड़ दिया। सिंचन ये क्या चीज है, पता नहीं ये बाबा तुम्हें पता है ये क्या चीज है? अरे बेटा मेरा अड्डा है लेकिन आज तक मुझे पता नहीं चला ये क्या चीज है। अरे फ्रैंकल भाई ये बाबा तो मेरे को बेकार लग रहे हैं यार, गलत इनकी हेल्प कर दी यार, कुछ बताते ही नहीं यार हमको। आजा सिंचन आजा, इनको हमने छोड़ दिया, आजा जल्दी से चलते हैं यार पुलिस स्टेशन। बेटा आराम से जाना, आराम से जाना। ठीक है आराम से जाएंगे, टेंशन मत लो तुम हमारी। अब सिंचन ये क्या हुआ? अरे क्या हुआ फ्रैंकल भाई, ऐसा लगा गाड़ी में झटके लगे। उतर के देखो सिंचन ये क्या हुआ यार। अरे फ्रैंकल भाई ये गाड़ी गोल्ड के अंदर कैसे कन्वर्ट हो गई? ओए बाबा, अबे सिंचन वो बाबा कहाँ गायब हो गया? पता नहीं फ्रैंकल भाई वो बाबा कहाँ गायब हो गया, वो भूत था क्या यार? अबे सिंचन वो सब छोड़, ये देख गाड़ी कैसे गोल्ड में कन्वर्ट होगी। पता नहीं फ्रैंकल भाई गाड़ी कैसे गोल्ड में कन्वर्ट होगी, कहाँ जा रही हो यार मुझे बताओ तो सही। अबे सिंचन जल्दी गाड़ी में बैठ, मैं तेरे को एक बात बताऊंगा। अरे बताओ क्या हो गया?
सिंचन मेरे को ना ऐसा लग रहा है वो जो बाबा था ना वो कोई जादुई बाबा था और सिंचन उसने ना मेरे ख्याल से हमको कोई वरदान दे दिया और वरदान देके वो गायब हो गया। पर फ्रैंकल भैया वो हमको वरदान क्यों देगा यार? अबे सिंचन तुझे पता नहीं है उसकी हमने हेल्प करी। अरे हाँ फ्रैंकल भैया यार वो हमको भला इंसान कह रहा था। एक काम करते हैं सिंचन, इसने हमारी गाड़ी तोड़ी है ना, रुक जा इसकी गाड़ी में बैठ के देखता हूँ क्या पता ये भी गाड़ी गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए। ओ यार तमीज नहीं है मेरे को, बाहर निकाला तेरे को बताऊंगा तेरे को, लेकिन अभी भाग लेते हैं भाई दो बंदा है। अरे वाह फ्रैंकल भैया, यार फ्रैंकल भैया ये गाड़ी भी गोल्ड में कन्वर्ट होगी फ्रैंकल भैया। हाँ सिंचन यार ये वाली गाड़ी भी गोल्ड में कन्वर्ट होगी, मजे आ गए सिंचन यार अब तो हम अमीर हो सकते हैं। अरे हाँ फ्रैंकल भैया यार मतलब यार अब फ्रूट का काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ सिंचन अब हमको अपनी शॉप पे बैठना नहीं पड़ेगा। यार सिंचन उस काम से तो मैं यार बहुत ज्यादा तंग आ गया था, कभी कुछ चोरी हो जाता था कभी यार बिक्री नहीं होती थी। हाँ फ्रैंकल भैया बिक्री नहीं होती थी, और तो और यार अब एक चीज से बहुत तंग हो गई होगी। हाँ सिंचन बता किस चीज से? अरे यार मैं डेली आधे से ज्यादा सामान तो मैं ही खा लेता था। अब कोई दिक्कत नहीं सिंचन, तू तो मेरा छोटा भाई है यार, तू जितना मर्जी खा ले। फ्रैंकल भैया आपको पता है चौब भी यार मेरे से मांग मांग के बहुत सारी चीजें खाता था तुम्हारी शॉप की। अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ फ्रैंकल भैया लेकिन तुम कुछ नहीं खाते थे, ऐसे क्यों यार फ्रैंकल भैया तुम्हारी शॉप थी यार, कुछ तो तुम खा लेते ना कम से कम। फ्रैंकल भैया ये बताओ अभी जा कहाँ रहे हो यार? सिंचन अभी मैं एक बंदे के पास जा रहा हूँ। ओए सिंचन ये देख ये देख। अरे हाँ फ्रैंकल भैया ये तो हमारी जैसी शॉप है यार। रुक जा सिंचन इससे पूछता हूँ ये परेशान होता है नहीं होता। हाँ फ्रैंकल भैया पूछो यार। ओए भाई ओए इससे पूछने में सिंचन बहुत मजा आएगा यार, ये भी हमारे जैसा काम करता है। और भाई कैसा लगता है तुझे ये काम करने में? कभी कुछ चोरी कर ले जाता है, कोई कभी कुछ चोरी करके ले जाता है, रहना पड़ता है दिनों रात। अरे भाई तेरा घर का? अरे घर की छोड़ो भाई, तुम करने क्या आयो? आजा सिंचन तू गाड़ी में बैठ, हम चलते हैं फटाफट से। हाँ फ्रैंकल भैया हम चलते हैं यार अपने घर पे, कहीं हमारा फ्रूट चोरी ना हो जाए। अब सिंचन अब अपने घर पे नहीं जा रहे। अरे तो जा कहाँ रहे हो फ्रैंकल भैया? सिंचन अब हम जा रहे एक अमीर बंदे के पास, उसकी गाड़ी गोल्ड में कन्वर्ट करके बहुत पैसा कमाएंगे। तो गाइस अभी मैं और सिंचन उस बंदे के पास पहुंचने वाले हैं। गाइस वो ना बहुत ही अमीर है। अरे फ्रैंकल भैया देखो यार यहाँ पे तो गाड़ियां खड़ी है, कितनी महंगी लग रही है। सिंचन ये जो सामने गाड़ी है ना ये रॉयल रॉयस है। अरे वाह फ्रैंकल भैया इतनी महंगी गाड़ी यार। फ्रैंकल भैया ये गाड़ी ना 10 लाख की है। अब 10 लाख की नहीं 10 करोड़ की। अरे हाँ फ्रैंकल भैया 10 करोड़ की है यार। और भाई क्या पी रहा है तू? भैया हम तो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तुम्हें पीनी है तो बताओ। और बताओ यहाँ पे किस लिए आयो? काम वाम नहीं है भैया हमारे पास कुछ भी, पहले बता रहे। अरे बेवकूफ अंकल यार हम तुझसे काम मांगने नहीं आए यार, हम तेरे साथ कुछ डील करने के लिए आए। फ्रैंकल भैया बताओ ना यार, इसको बेवकूफ है यार ये तो। अबे भाई हम तेरे यहाँ काम वाम करने नहीं आए। भाई मेरे पास ना एक डील है, मैं तेरी गाड़ी में बैठ के ना उन्हें गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। गाड़ी को छूना मत, पहले बता रहे हो, गाड़ी को छूने की कोशिश मत करना। रुक जा इसको करके दिखाऊं सिंचन, ये मैं इसके अंदर बैठा। अरे हाँ फ्रैंकल भैया करके दिखाओ। देख ले अंकल देख ले, गाड़ी गोल्ड में कन्वर्ट हो गई तेरी। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे तुम कोई ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे समझ नहीं आ रहा, तुम कोई जादुई अंकल हो क्या? अबे भाई मैं कोई जादुई अंकल नहीं हूँ, फटाफट से तेरी जितनी भी गाड़ी है ना सबको गोल्ड में कन्वर्ट कर देता हूँ। फाइनली गाइस इसकी यहाँ पे जितनी भी गाड़ी थी ना गाइस मैं सबके अंदर बैठा और सबको गाइस मैंने गोल्ड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और गाइस ये जितनी भी गाड़ी है ना गाइस ये सारी सेल होने के लिए भी रेडी हो गई है। अरे हाँ फ्रैंकल भैया यार ये सारी गाड़ी बहुत महंगी बिकने वाली है, ये बंदा बोल रहा था बहुत करोड़ों की बिकेंगी। हाँ सिंचन पूरे 1000 करोड़ की बिकने वाली है ये जितनी भी गाड़ी है। और गाइस ये जो आप ट्रक देख रहे हो ना, इस ट्रक के अंदर गाइस बहुत सारा पैसा भरा हुआ है और वो गाइस पैसा सारा मेरा है। हाँ फ्रैंकल भैया वो सारा पैसा हमारा है। बहुत खुश है भैया तुमसे, बहुत खुश है। फोटो खींच मेरी बहुत अच्छे अच्छे फोटो खींच मेरी, ताली बजाते हुए। और गाइस ये जो आप बैनी देख रहे हो ना गाइस ये मेरा दोस्त है। गाइस ये ट्रक को चलाते हुए मेरे घर पे पहुंचेगा, ठीक है बैनी? मेरे घर पे पहुंच जियो, मैं जा रहा हूँ। हाँ भैया अभी तुम हमारे घर पे जाना, ठीक है? वहाँ पे तुम्हारी खातिरदारी भी करेंगे हम थोड़ी सी। चलो चलो फ्रैंकल भैया चलते हैं यार। फ्रैंकल भैया पहले बता रहा हूँ ये जो लंबी वाली गाड़ी है ना ये हम एक रख लेंगे। हाँ सिंचन ये जो गाड़ी है ना ये हमारी होगी पूरी की पूरी। और गाइस जिसकी गाड़ी हमने गोल्ड के अंदर कन्वर्ट करी है ना, अभी गाइस उसने बोला था कि मेरे घर पे पहुंच जाना, ये हमारी कुछ खातिरदारी करेगा। उसके बाद गाइस मैं जाऊंगा गाइस अपने खुद का नया घर खरीदने। हाँ फ्रैंकल भैया एक अपार्टमेंट खरीदेंगे बढ़िया वाला। और सिंचन अब तो हमको कोई काम करने की जरूरत नहीं है सिंचन, अब ना हम यही वाला बिजनेस करेंगे, हर किसी की गाड़ी को गोल्ड के अंदर कन्वर्ट करेंगे और उससे पैसा ले लेंगे। हाँ फ्रैंकल भैया यार ये वाला बिजनेस तो बहुत अच्छा है यार, बिल्कुल मेहनत ही नहीं है इसमें तो। फाइनली गाइस मैं और सिंचन उसके घर पे बस पहुंचने वाले हैं। हाँ फ्रैंकल भैया यही घर है यार, ये लोकेशन में यही दिख रहा है। आजा सिंचन इसके घर में ही बांट देते हैं गाड़ी। बांट दो फ्रैंकल भैया बांट दो। अब सिंचन ये देख कितना सारा गोल्ड रखा हुआ है। अरे वाह फ्रैंकल भैया गोल्ड की गाड़ी, और यहाँ पे देखो कितना सारा गोल्ड रखा हुआ है। काश सिंचन ये गोल्ड मेरा होता। अरे क्यों दिक्कत ले रहे हो फ्रैंकल भैया, जैसे ये गाड़ी को बिकोगे ना तो ये गाड़ी बहुत महंगी बिकेगी, उसके बाद तुम भी गोल्ड खरीद लेना। हाँ सिंचन खरीद लेंगे, लेकिन सिंचन इसका घर कितना प्यारा लग रहा है ना। अरे फ्रैंकल भैया टेंशन मत लो, सबकी गाड़ी गोल्ड में कन्वर्ट करो, उससे पैसे लो, उसके बाद हमारे पास भी बहुत सारा पैसा आ जाएगा, फिर तुम भी कोई बढ़िया घर खरीद लेना। हाँ सिंचन खरीदेंगे। चल सिंचन यार फटाफट से 10 लोगों को और शाउट आउट दे देना यार, तूने तो अभी 10 लोगों को ही दिया है। अरे हाँ फ्रैंकल भैया यार 10 लोगों को ही शाउट आउट दिया है मैंने, 10 लोग तो रह गए। चलो गाइस 10 लोगों को ना मैं अब दे देता हूँ यार शाउट आउट। तो गाइस 11th नंबर पे अपने आयुष राज है, और गाइस 12th नंबर पे अपने मोहित शर्मा है, और गाइस 13th नंबर पे अपने अब्दुल रज्जाक है, और गाइस 14th नंबर पे अपने सूरज भारद्वाज है, और गाइस 15th नंबर पे अपने पुनीत है, और गाइस 16th नंबर पे आजाद है, और गाइस 17th नंबर पे यानी RDX880 है, और गाइस 18th नंबर पे अपने विरान है, और गाइस 19th नंबर पे अपने कपिल कुमार है, और गाइस 20th नंबर पे अपने यार कमीरा रज्जा है। और गाइस यार बहुत सारे लोगों ने ना यार अपना नाम ही नहीं लिखा, तो यार इसलिए मैं ना उनका नाम नहीं ले पाया। गाइस उनकी ना आईडी का नाम लिखा हुआ था, बताओ मैं आईडी का नाम कैसे लूं? तो गाइस अपना नाम भी लिख दिया करो यार, आप नाम क्यों नहीं लिखते हो भाई? जिन जिन्होंने गाइस अपना नाम लिख रखा था ना गाइस सबको मैंने शाउट आउट दे दिया है। और गाइस यार अगर आप लोगों में से किसी ने अभी
तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करोगे फ्रैंकल सज्जन आपके भाई तो गए जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता है जब कनेक्ट वीडियो में, तब तक गाइस प्यारा वाला बाय।